उत्तर प्रदेश सरकार के 2.5 लाख राज्य कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश पर ब्रेक लग गया। असल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा ना देना, शासन के आदेश को ना मानना और रिमाइंडर के बाद भी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा ना देना यूपी के 2.5 लाख कर्मचारियों पर भारी पड़ गया था। इस वजह से इनका अगस्त महीने का वेतन रोक दिया गया था, लेकिन अब संपत्ति का विवरण जमा करने की अंतिम तारीख को जो है बढ़ा दिया गया है। अब क्या है पूरी खबर? इसके अलावा यूपी पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को पत्र लिखकर क्या कहा और तो और कितने प्रतिशत कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अब जो ब्यौरा जमा करने की तारीख को बढ़ाया गया है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया जाए, लेकिन अब ऐसे कर्मचारियों को एक महीने का वक्त मिल गया है। अब उन्हें सरकार की तरफ से एक महीने की छूट जो है वो दे दी गई। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए। अब क्यों रोकी गई थी सैलरी, इस कहानी से भी रूबरू हो जाए। उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त 2024 तक संपत्ति का ब्यौरा जो है नहीं देने पर शासन ने 2,45,000 राज्य कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी जो है रोक दी थी, जबकि IAS और PCS को सैलरी जारी की क्योंकि इनकी संपत्ति स्पैरो पोर्टल पर दर्ज थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 31 अगस्त तक हर हाल मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का पूरा जो ब्यौरा है देने का निर्देश दिया था। सीएम योगी ने भी सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी। सरकार की डेडलाइन के बाद भी जिन कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं दी, सरकारी आदेश के चलते उनकी अगस्त की जो सैलरी है, अगस्त महीने की जो सैलरी है वो रोक दी गई। बता दें प्रदेश में कुल 8,46,640 कर्मचारी, मिली जानकारी के मुताबिक जिसमें से सिर्फ 6,02,075 कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। हालांकि इसमें प्रदेश के शिक्षक और निगमों और स्वायत्तशाही संस्थान जो है उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक अगर कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन नहीं देंगे तो उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। अब हमने आपको उत्तर प्रदेश में जो वेतन को लेकर जो रोक लगाया गया था उसके नए आदेश से आप रूबरू करवाए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।